बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त विटामिन सी फेशियल शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक्नी स्पेशल है। ऑयल जिसके चेहरे पर बनता है उनके लिए ये स्पेशल फेशियल है, जिसको आप घर में तैयार करके खुद इस्तेमाल करेंगे, आपको पारा चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 से 20 रुपये का ख़र्चा आपका आएगा और उसके बाद आपने इस मिक्सर का तैयार कर लेना है, इस फेशियल का तैयार कर लेना है। इसको वाइटनिंग फेशियल भी कहते हैं, इसको एक्ने फेशियल भी कहते हैं, विटामिन सी फेशियल भी कहते हैं। तो आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पर अगर दाग धब्बे हैं, एक्ने के निशान आता है, या आपकी स्किन पर एक्ने दाने हैं, ऑयल बनना शुरू हो जाता है, एक्ने की वजह से वाइटर्स ब्रैकेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ और डल हो जाती है। तो आप रफ़ और डल स्किन को बिल्कुल स्मूथ बना सकते हैं, गोरा बना सकते हैं और फ्रेश रख सकते हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है तो स्किन हमारी स्किन पर पसीना आना शुरू हो चुका है, स्किन पर ऑयल बनना शुरू हो चुका है, एक्ने का हम ऑलरेडी शिकार होते हैं, तो ये सारे मसाइल बढ़ जाते हैं गर्मियों में। तो आपने करना ये है कि माल्टे के छिलकों का पाउडर लेना है। माल्टे के छिलके मैंने पंसार की दुकान से ले लिए थे और घर आकर उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो इस सूरत में ये मेरे पास मिल गया। टी ट्री ऑयल लेना है और विटामिन ई ऑयल लेना है, ये स्पेशल फेशियल के लिए है। और आपने एलोवेरा जेल लेना है। इन अजा का अच्छा सा मिक्सर पेस्ट तैयार करके इसके ऊपर अप्लाई करना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, और उसके बाद आप वॉश कर लेंगे। एक्नी स्पेशल ये फेशियल है, और जो लड़कियां या ख़वातीन एक्नी का शिकार हैं या जो मर्द हजरात एक्नी का शिकार हैं, वो लाजमी एक बार इसको ट्राई करें। हफ्ते में एक दिन इसका लाजमी इस्तेमाल करें, ईद तक आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए हम इसको तैयार करते हैं। कैसे हमने इसको तैयार करना है, एक चम्मच मैंने माल्टे के छिलकों का पाउडर ले लिया है, एक अदद में विटामिन ई ऑयल ले रही हूँ, फेशियल स्पेशल है, 2 से 3 ड्राप्स टी ट्री ऑयल लूँगी और हस्पे ज़रूरत एलोवेरा जेल लूँगी ताकि हमारा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। इसके बाद मैं इसमें टी ट्री ऑयल ऐड करूँगी। टी ट्री ऑयल आपको पंसार की दुकान से मिलेगा, मैंने पंसार की दुकान से ही लिया है, और अगर आप पैकिंग वाला कोई और लेना चाहते हैं तो आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैं आपको मिक्स करके अभी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये पेस्ट तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का लग रहा है ये। अब आपने इसको स्किन पर अप्लाई करना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, और उसके बाद आपने स्किन को वॉश कर लेना है। दिन में किसी भी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप एक्ने के लिए क्रीम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइटनिंग के लिए क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल आप छोड़ दें। सिर्फ आप नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स लेकर अपनी स्किन को हाइड्रेट भी रख सकते हैं, अपनी स्किन को स्मूथ भी बना सकते हैं, क्लियर भी बना सकते हैं, गोरा भी बना सकते हैं। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, यानी कि 100% अजमुदा टिप है, और जब हमारी स्किन हाइड्रेट होगी तो हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। परेशान ना हो, ये मिक्सचर हमारे पास तैयार हो चुका है, अब हम इसको फेस पर स्किन पर अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद वॉश करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये फेशियल आपको अच्छा लगेगा और आप इसको ट्राई भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।